अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अब मेरे में जितनी ताकत थी उतना तो मैंने इतना जोर से मैंने इंट्रो दे दिया। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:10। मैं उठ गई थी 12 बजे समथिंग, क्योंकि मैं लेट उठी क्योंकि हम कल रात को बहुत लेट आए। और अभी KF गए नाश्ता लेने के लिए। मेरे को बहुत सारा काम है, मैंने अभी आधे कपड़े धोए, अभी और भी कपड़े बाकी है, अभी सब धोना है मुझे। क्योंकि इतने दिन से आप लोग को पता है मैं घर में रह नहीं पा रही हूँ, मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ, सो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने पूरे कपड़े निकाले, अभी मैंने बड़ा बस हो गया शिरिन, बहुत कपड़े जमा हो गए, अब तो धोना ही पड़ेगा। सो अभी सब कपड़े धो रही हूँ मैं, फिर अभी KF तो नाश्ता लेने गए, KF आने दो, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो देखो KF आ गए हैं नाश्ता लेके, अभी लाए हमने डोसा मेंदू वड़ा खुद के लिए। और प्लीज़ जज नहीं करना, बिस्तर पे बैठ के हम लोग कभी जल्दी खाते नहीं हैं, बट आज मजबूरी बिस्तर पे बैठना पड़ रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तो पूरे कपड़े नीचे फैले हुए इसीलिए। सो अभी बिस्तर पे बैठ के खा रहे हैं, सॉरी, और नाश्ता करके मैं आपसे मिलूँ। दोपहर के बज चुके हैं 3 और शिरिन का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। दोपहर के तकरीबन 12 बजे से लगी पड़ी है बेचारी, अभी तक काम ही कर रही है, उसका काम ही नहीं ख़त्म हुआ है, कब से बेचारी काम कर रही और उसका इंतज़ार करते करते थक मैं गया हूँ। थकी वो नहीं है बट थक मैं गया हूँ, नींद आ रही मुझे ऐसे ही बैठे बैठे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। शुरुआत तो आज के दिन की बहुत लेज़ी तरीके से हुई है, क्योंकि कल हम लोग बहुत लेट भी आए थे, सोकर भी लेट उठे हैं। बट अभी आज का आगे का प्लान ऐसा कुछ स्पेसिफिकली प्री प्लान्ड हुआ नहीं है, पता नहीं कभी भी कुछ भी प्लान्स बन जाते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कैसा क्या होता है। शिरिन कितना टाइम लगेगा? और 10-15 मिनट। तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सो के उठ जाता हूँ, है ना, बैठे बैठे और कुछ करने के लिए है नहीं, तो थोड़ा सोकर ही उठ जाता हूँ 10-15 मिनट। देखते हैं अब इसका और कब तक चलता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, वो भी बहुत थक गई है, वही नाश्ता किया है, खाना भी नहीं खाया, वो उसका होगा तो फिर एक साथ जाके हम खाना खाएंगे, तो मिलते खाने पे। सो गाइज, मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्रेश, और हाँ मैंने फिर से यही नाइटी पहनी है। अगर कोई जज करेगा तो मैं उनको बता दूँ कि कल रात को मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए पहनी थी, फिर रात को आके मैंने दूसरी नाइटी पहनी, मेरे ध्यान से ही उतर गई थी कि मैंने ये नाइटी पहनी थी। सो हर छोटी छोटी चीज़ें मैं शेयर करती, तो ये भी चीज़ें शेयर करने में क्या जाता है। सो अभी KF गए हैं समदानी को काकू के यहाँ छोड़ने। काकू मतलब मेरी खाला, जिनको मैं बचपन से काकू बुलाती हूँ, तो मेरी आदत है उनको काकू बुलाने की। तो अगर कभी कंफ्यूज होगा तो मैं कंफर्म कर दूँ कि अम्मी की जो बड़ी बहन है, मेरी जो खाला है, मैं उनको काकू बुलाती हूँ। सो अभी KF गए समदानी को काकू के यहाँ छोड़ने, आएंगे फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने कपड़े हैं, मतलब कम से कम 5 रस्सी भर के कपड़े हैं, मैंने लिटरली मेरे को टाइम ही नहीं मिला। और आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई गाइस, मैं कपड़े धो रही थी, मैंने सब कुछ इतने अच्छे से किया, बाद में मेरे से एक हो गई मिस्टेक, मेरे जो लास्ट के मैंने वाइट कपड़े रखे थे, वो वाइट कपड़े मैंने गलती से कलर वाले पानी में डाल दिया और मेरे ध्यान से उतर गया। मैं क्योंकि घाई घाई में थी, सो मेरे ध्यान से नहीं गया, मैंने मशीन में ऐसे फेंका और उसके अंदर कलर वाला पानी रह गया था और मैंने ड्रेन करना भूल गई थी। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया, मेरा बहुत प्यारा कपड़ा, जब हम क्रेटा लेने गए थे तब मैंने वो पहना था, सो बहुत लोग ने तारीफ़ भी की थी वो कपड़े की और मेरे कपड़े को नज़र लग गया आई थिंक। सो अभी मैं क्या करूँ, KF ने बोले कि ड्राई क्लीनिंग के लिए दो तो शायद चले जाएगा। आप तो कमेंट्स करके बताना कि जाता है नहीं जाता है, मुझे पता नहीं है ड्राई क्लीनिंग से चले आता है कि नहीं। सो मेरा काम वाम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने बस नाश्ता किया, मेरा मन भी नहीं, कल से मैं इतनी बीमार हूँ, बहुत सुस्त हो गई हूँ मैं गाइस। सो अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, बहुत लंबी बातें कर ली मैंने, थोड़ी देर से मिलती हूँ। सो गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर। मैंने बहुत देर से शूट भी नहीं किया कुछ, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा खराब था, थोड़ा नींद में था, हम लोग दोनों ऐसे वैसे ही पड़े हुए थे, खाना वाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हो चुका है और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं सुबह से काम वाम, और कल भी थकावट हो गई थी इसीलिए कुछ कर नहीं पाए। और अभी हम निकल रहे हैं बाहर, कहाँ जा रहे हैं, थाने के कहीं आगे थाने या कल्याण के बीच में कहीं जा रहे हैं। यस, सो अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर अम्मी को देखने कि अम्मी रेडी हुए कि नहीं, फिर हम निकल जाएंगे, मिलते हैं निकल। गाइस, अभी मैं उतर चुकी हूँ नीचे, अभी हम लोग निकल रहे हैं, अम्मी बैठ चुकी है गाड़ी में और KF एज यूजुअल गाड़ी को कपड़ा ही मार रहे हैं,
और गाइस आपको अम्मी ने ही बताई मैंने, क्योंकि अम्मी और मेरा थोड़ा झगड़ा हो चुका है, सो मैं अम्मी से बात नहीं कर रही हूँ इसके लिए मैंने अम्मी को नहीं बताया, और थोड़ी देर बाद अम्मी को बताऊँगी कि अम्मी ने क्या पहना है क्या नहीं। और अभी मैं निकल रही हूँ, निकल के आपसे मिलती हूँ सीधा जहाँ पे हमको जाना है। ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे का रास्ता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी, रोड का क्या शूट करूँ। या आज का ब्लॉग भी बहुत लो सा रहेगा, आप लोग देख ही रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हूँ, मेरे को अंदर से बुखार है, मैंने डोलो खाया, फिर मैं अभी निकली हूँ बाहर। सो आपसे मिलते हैं सीधा वहाँ पर पहुँच के। शोरूम वाइट डक, सो अभी अम्मी का यहाँ से फ्लावर से थोड़ा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, सॉरी बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरा थोड़ा आज मूड भी स्पॉइल है। वो किधर है पयाम? वेयर इज द शोरूम? हेलो ये बहुत बड़ा शोरूम है माशाल्लाह, यहाँ पर स्टाफ लोग के लिए ऊपर मस्जिद बनाई गई है कि नमाज अगर पढ़ना है तो वो ऊपर ही पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा अच्छा है, आईकिया से तो बेटर ही लग रहा है, आईकिया से अच्छा है। ये देखो कैसे कितना प्यारा है, देखो आपने दिए जन्नत जुबे। नाइस, दिस इज वेरी लवली, मुझे बहुत पसंद आया वाला सिलेस, वाओ रियली लव इट। आईकिया से तो बहुत अच्छा है गाइज, यू कैन सी दिस ब्लैक वन, ये वीडियो में ब्लू लग रहा है, आई एम रियली सॉरी बिकॉज यहाँ पे लाइट्स बहुत है, बड़े ब्लैक देखो, ये देखो रिक्लाइनर वाला है, नाइस वेरी नाइस। और ये पर्पल देखो कितना प्यारा है, एंड दिस इज द बेड जिस जन्नत जुबेर को फॉलो करते रहेंगे तो उनमें देखे रहेंगे, ये उसका है। आपको
बैठ बैठ नहीं गिरेगी बैठ अम्मी कुछ नहीं बिस्मिल्लाह बोल के बैठना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अम्मी बहुत डरते झूले से। अच्छा ये भी क्यूट है उधर जो रखा है वो भी क्यूट है। आईकिया से तो लाख गुना अच्छा लगा मुझे। मामू मामू उधर ये सुल्तान को सुल्तान ये लोग बना रहे रील्स। पापा देखो कैसे अभी तक फोटो सेशन चालू है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कब ख़त्म होगा क्या पता। और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ये देखो पसीना देखो इनके चेहरे पे पसीना आप देख सकते हो। तब से मंडी फोटो खींच रहे हैं अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से और अम्मी लेके जा रहे हैं कहीं तो अम्मी ने बोले जहाँ पर हम लोग भी गए हैं और वन ऑफ द फेवरेट होटल है मेरी सो हम शायद वहाँ जा रहे हैं। सो मिलती हूँ मैं आपसे डायरेक्ट वहाँ पे। और गाइस मैंने कुछ मंटी के साथ एक वीडियो बनाया है जाके मैंने इंस्टाग्राम पे देख लेना बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और लाइक करना बहुत सारा प्यार देना। लाइक की तब क्लैरिटी नहीं दिखी अभी यहाँ पर क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ रही है इनको। कितनी अच्छी क्लैरिटी हो तो बताओ। बस बाहर लाइट कम है अंदर थोड़ी जाती है तभी इधर खड़े थे ना तो क्लैरिटी बहुत अच्छी आ रही थी। हाँ अंदर इतनी लाइट थी तभी नहीं बोले कि क्लैरिटी अच्छी रही अभी यहाँ पर बोलो कि क्या क्लैरिटी आ रही है। ओके बाय लाइन ले जाओ कैप चले सब बंद हो रहा है बाहर ठंडा है अंदर लाइट्स के वजह से गर्म हो रहा है। सब बड़ी बढ़िया हाँ माशाल्लाह दुकानें बहुत अच्छी अच्छी है सब। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कैफ गाड़ी निकल रहे हैं अम्मी गाड़ी में बैठ चुके हैं मैं ही सिर्फ बाहर हूँ और निकल के आपसे फिश लैंड होटल वन ऑफ द फेवरेट। और अम्मी पहले हम लोग छोटे थे तो बहुत लेके आते थे तो कुलसुम मंडी को मच्छी बहुत पसंद है इसीलिए यहाँ पर स्पेशली आए अभी। देखो फिश लैंड होटल कुलसुम मंडी यहाँ पर है ये लोग मच्छी।
यहाँ पे दोनों का व्लॉग सेम होने वाला है। अभी आई है बांगड़ा थाली, ये देखिए बांगड़ा थाली आ गई है। अभी और कौन सी थाली आती है मैं बताता हूँ आपको आगे। सो ये मेरी थाली है, ये है प्रॉन्स थाली, और ये है शिरीन की, ये है बोम्बिल थाली। यहाँ सब बैठे हैं बांगड़ा थाली एंजॉय कर रहे हैं। ये बवाल नहीं चाहिए तो दे दो। पान बोले अम्मी ने, और ये देखो कितना सारा पान ला के दे दिए। शिरीन का आज का आउटफिट जरा घूम के बताइए मैडम। अरे अरे कांच में गिर जाएगी, मत कर। मैं हिल्स पहन के कभी नहीं गिरती, ठीक है? मैं भी उल्टी जा कर भाग सकती हूँ। शी बहुत गंदा डायलॉग था ये। अल्लाह हाफिज़। ये देखो पहले भी अल्लाह हाफिज़ बोली, अभी भी अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं थैंक यू। और अच्छा लगा रहा? हाँ क्या हो गया बड़ी? खाना अच्छा लगा रहा? चलो अल्लाह हाफिज़, आराम से जाना, फोन करना। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। कैफ तो नहीं थके रहेंगे आज, पर मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह से मैं काम करी, फिर उसके बाद में आज आप लोगों को पता है मेरा कितना सारा काम था। सब काम वाम करके फारिक होके फिर उसके बाद में फटाफट रेडी होके फिर भागे हम लोग वहां पर। और आप लोगों को तो लगा ही दिखाई रहेगा, आई मीन कि मैं कितनी लो थी आज के दिन। बहुत ज्यादा बराबर से शूट भी नहीं किया मैंने, एकदम बहुत ही मेरी एनर्जी खत्म हो गई थी ऐसा लग रहा था। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना, वापस एनर्जी आ रही है मेरी। आज मेरी बीवी ने बहुत काम करी, दिस इज फॉर योर काम। सो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह थी, अच्छे फर्नीचर्स थे। हर बोलते ना हर शॉप जिधर जहां वहां आई मीन वहां पर हर शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे फर्नीचर। और क्या क्या और कुछ नहीं, बट ये बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को विजिट करना है तो प्लीज करिएगा। Yes. अच्छी है और पसंद की चीजें भी मिल सकती है। यस yes. और अभी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बहुत सारा प्यार देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना प्लीज प्लीज। अच्छी बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हो, 50 रुपए काटो, 50 रुपए भी नहीं काटना पड़े। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।